Hey guys, hope you're doing great today. So guys, I'm back with another video. But आज का जो video है वो होने वाला है थोड़ा different video. आज मैं आपके सामने कोई भी review या haul video लेकर नहीं आई हूँ. आपको title से मालूम चल गया होगा कि मेरी YouTube की पहली payment आ गई है and I was really excited to share with you all guys. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मैंने आपको immediately मैं आपके साथ share नहीं कर पाई इस पूरे incidents को. तो मैंने सोचा कि फिर मुझे जब भी वक्त मिले मैं आपको साथ इसे शेयर करूं. तो गाइज़ मेरे YouTube के कुछ पैरामीटर्स होते हैं. आज मैं आपके साथ उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगी. मैं आपको बताऊंगी कि YouTube पे पेमेंट ईजिली कैसे आ जाती है. मेरी पेमेंट आई थिंक डेढ़ दिन में आ गई थी. हार्डली डेढ़ दिन लगा था और मेरी पेमेंट आ गई थी. तो कैसे आप अपने पेमेंट को वेरी स्मूथली मंगा सके अपने अकाउंट में. और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने पेमेंट जो भी मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी उसको मैंने कहाँ स्पेंड किया, कितनी आई थी, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे. तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं. वी वर इन द प्रोसेस ऑफ रिलोकेशन. तो कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें मैं आपके साथ मुझे वक्त नहीं मिल रहा था. और आपको पता होगा कि जब आप किसी नए शहर में रिलोकेट करते हैं देर सर्टन थिंग्स विच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती हैं. तो इसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल रहा था कि मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूँ कि पेमेंट आ गई है और मैंने क्या किया है एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले बात करते हैं YouTube के बारे में. मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो मैंने कम अक्रॉस किया, जो मैंने ट्राई किया एंड इट वर्क्ड. एक्चुअली क्या होता है कि पेमेंट जब आपकी आने वाली होती है आप उसे एक्चुअली गूगल एडसेंस पे ट्रैक कर सकते हैं. ठीक है, तो थ्रेशोल्ड क्या होता है, $100 का थ्रेशोल्ड होता है. अगर आपके $100 नहीं पूरे हुए होते हैं तो आप पेमेंट आपकी रिलीज नहीं हो पाती है. सपोज़ इस मंथ में मैंने $50 कमाए और $100 नहीं हो पाया तो नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और तब तक पेमेंट रिलीज़ नहीं होती है जब तक कि आपके $100 पूरे नहीं हो जाते हैं. ठीक है, तो ये तो हुआ पेमेंट की बात. अब ये कैसे आता है, किस तरीके से आप आसानी से मंगा सकते हैं. मैंने कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे जहां लोगों के पेमेंट डेढ़ महीने दो महीने के बाद आए थे या किन्हीं को 10 दिन भी लग गया था. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं. गवर्नमेंट बैंक में इट टेक्स अ वीक. ठीक है, प्राइवेट बैंक में बहुत जल्दी आ जाती है बिकॉज उनका जो वर्किंग जो भी है जिस तरीके का प्रोसीजर है इट्स क्वाइट ईजी. तो आपकी पेमेंट आसानी से आ जाती है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके अकाउंट गवर्नमेंट बैंक में है तो आपकी पेमेंट नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो अभी पेमेंट जल्दी कैसे आए, क्या है कि $100 कंप्लीट होंगे उसके बाद आप उस प्रोसेस में लगेंगे तो इट विल टेक अनदर वीक और मे बी 10 डेज ऑल्सो. आपको क्या करना है, गूगल एडसेंस पे आपको ट्रैक करता रहना होगा कि आपकी कितनी पेमेंट, कितने जो डॉलर्स हैं वो कितने कलेक्ट हो गए हैं. राइट, डॉलर्स कितने कलेक्ट हो गए वहाँ सारी चीज़ें डिटेल्स आती रहती है. तो गाइस प्रीवियस मंथ का जो एंडिंग बैलेंस है उसे आप चेक करते रहिए और अपनी डेली प्रोग्रेस को बाकायदा ट्रैक करते रहिए. ठीक है, जैसे ही आपको 90 क्रॉस करता है आपका जो कलेक्टेड अमाउंट है या एक महीने में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर एक महीने में नहीं हो रहा है इट गोज़ कैरी फॉरवर्ड, तो आप देख लीजिए कि आपके 90 से जैसे क्रॉस करता है आपका डॉलर्स आपको क्या करना है, आपको सीधे देखना है पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है. मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स आप देखिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे कहाँ पे क्या करना है. ये स्क्रीन पे आप मेरी बातें भी सुनते रहिए और स्क्रीन पे भी देखते रहिए. आप स्क्रीन पे देखते रहिए आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या होता है और मैं आपको बताती जाती हूँ. सबसे पहले पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है. पेमेंट मेथड पर क्लिक करके आपको देखना है कि अपने जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसे आप पे मेंशन करना है. राइट, उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप किस तरीके से पैसे मंगवाना चाहते हैं. वहाँ पे आपको अपने बैंक का जो भी बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है वो आपको पता करके रखना होगा पहले से ही ताकि लास्ट मोमेंट पे हैफजर्ड चीज़ें ना हो जाएं. होता क्या है कि 12th ऑफ एवरी मंथ तक जो आपकी जो डॉलर्स होते हैं वही कंसिडर किए जाते हैं. 12th ऑफ एवरी मंथ बिलिंग साइकिल इज 12 to 12. ठीक है, और जो पेमेंट रिलीज डेट होता है वो होता है 21st. तो आपको ये करना है कि 21st के पहले पेमेंट मेथड एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे एंटर कर देना होता है ताकि पेमेंट आराम से आपकी रिलीज हो जाए. नाउ अभी आपको क्या करना है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप बैंक से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है. क्या होता है कि आपके जो अकाउंट अगर फॉरेन बैंक्स में, क्योंकि ये जो भेजते हैं डॉलर्स में भेजते हैं, यूएस से आते पैसे, बाहर से पैसे आते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकते. तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक थर्ड पार्टी बैंक के थ्रू राउट करते हैं आपके पैसे जिनका ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हुआ रहता है हमारे बैंक के साथ, जो भी आपका रिस्पेक्टिव बैंक है उसके साथ में. तो आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक में जाके पता करना है कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है. ठीक है, स्विफ्ट कोड जैसे ही पता चलेगा आपको उसे पेमेंट मेथड में
डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं. वायर ट्रांसफर के थ्रू पैसे आते हैं, आप डिटेल्स फिल अप कर दीजिए कि आपको जो भी आपके बैंक का स्विफ्ट कोड है, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड स्टफ जो भी आप वहां पे एंटर कर दीजिए. ये चीज़ें आप तब कर लीजिए जब आपके जो पैसे हैं वो $90 से ऊपर जैसे ही क्रॉस करते हैं. ये सारी चीज़ें आप करके अपने अकाउंट को रेडी रखिए. अब क्या होगा, 12th तक एवरी मंथ वहाँ तक जितने भी डॉलर्स बनते हैं उसको वो लोग कंसिडर करते हैं एंड 21st को आपकी पेमेंट रिलीज़ होती है. ठीक है, 21st को पेमेंट रिलीज़ होगी. उसके बाद जैसे ही आपके $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है आपके पास एक मेल आएगी. जैसे मैंने पहले से ही सारी चीज़ें कर रखी थी तो मेरे पास ये मेल आ गया था डायरेक्टली. पहला मेल यही आया था कि आपकी पेमेंट रिलीज़ कर दी गई है. स्क्रीनशॉट पे आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं या सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट डाली हुई हैं, आप देख लीजिए. अगर आपने नहीं किया हुआ है अपडेट तब क्या होगा, तो आपके पास वो सारी चीज़ें फिलअप करने के लिए एक YouTube की तरफ से मेल आएगा. ठीक है, पेमेंट्स गूगल पेमेंट्स की तरफ से एक मेल आएगा कि आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है. जैसे ही आप अपडेट करते हैं उसके बाद, जैसे मैंने पहले क्योंकि अपडेट किया हुआ था, 21st को मेरे पास एक मेल आती है, 22nd को एक रिसेट आता है, 23rd के मॉर्निंग में मेरे पैसे क्रेडिट हो गए होते हैं अकाउंट में. राइट, तो ये इसलिए क्योंकि पहले से सारा कुछ किया हुआ था. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपका डिले हो जाएगा. फिर किसी का आपने सुना होगा 1.5 महीने भी लगते हैं लोगों के, 2 महीने भी लग जाते हैं पेमेंट आने में. तो इसमें YouTube या Google की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है. आपको थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा ताकि आपके पेमेंट स्मूथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करके रखें. नाउ सेकेंडली, जैसा कि मैंने बताया कि ये पेमेंट आ गई थी पहले ही, और मैंने इसके साथ ही कुछ चीज़ें, तो पहले तो मैं थोड़ी बिजी थी तो मैं कुछ भी चीज़ें सोच नहीं पा रही थी कि मैं पैसों का क्या करूं. पेमेंट कितनी आई है ये मैं आपको बताती हूं अभी, बट उससे पहले ये जो जर्नी है मेरी यूट्यूब की, दिस हैज़ बीन फुल ऑफ यू नो zigzag path. और ये आसान नहीं था क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको मंथली सैलरी नहीं आती है. अगर आप मेहनत करेंगे एंड ऑल्सो योर लक विल फेवर, तो आपकी वीडियो वायरल होगी और उसके बाद ही पेमेंट रिलीज़ होगी. ऑफकोर्स एक मंथ में आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि अगले मंथ ही पेमेंट आ जाए. अगर आपके $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं होता है तो फिर अगले मंथ पेमेंट नहीं आएगी. तो जिस मंथ $100 कंप्लीट होते जाएंगे उस मंथ आपकी पेमेंट रिलीज़ होती जाएगी. ठीक है, तो जितने भी माइलस्टोन्स हैं मेरे अकाउंट से रिलेटेड वो मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं, अपने अबाउट सेक्शन में मेंशन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ यू नो स्टडी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी होती है. एक वन गो में वीडियो भी नहीं बनता, यू डू लॉट ऑफ मिस्टेक एंड ऑल. तो बहुत वक्त लगता है, इट टेक्स योर टाइम, इट टेक्स योर मेहनत एंड एवरीथिंग. तो आसान नहीं होता है यूट्यूब पर आना, और कोई ज़रूरी नहीं है किसी का लक साथ दे गया या किसी की वीडियोस इतनी ज़्यादा डिफरेंट है या क्रिएटिव है कि आपके वीडियोस फर्स्ट मंथ में ही वायरल हो गए, तो यू आर मच लकी इनफ. बट सभी के साथ ऐसा नहीं होता. आई हैड टू वर्क फॉर वन कंप्लीट ईयर टू गेट माय फर्स्ट पेमेंट. सो एक साल पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था एंड एक साल के बाद भी पेमेंट आई है. तो यू कैन अंडरस्टैंड आई वेटेड फॉर द वन होल ईयर टू गेट दैट फर्स्ट पेमेंट. वो भी ऐसा नहीं कि दैट पेमेंट हैज़ एक्चुअली गिवन मी अ फुल मोटिवेशन. क्योंकि बीच में क्या हो रहा था कि देर वॉज अ टाइम वन आई थॉट ऑफ गिविंग अप, क्योंकि नहीं हो रहा था वीडियोज, उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आ रहे थे. तो आई वॉज सो मच डीमोटिवेटेड. बट देन कोलैप्स आने के बाद थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई कि हाँ भैया चलो अभी आपको स्टार्ट हो गया बिजनेस, टू पॉइंट बिजनेस है वो स्टार्ट हो गया है. तो आई वॉज गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ कोलैप्स, टचवुड. तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया. आई वॉज बिजी इन दोज कोलैप्स क्योंकि उसकी डेडलाइंस होती है और आपको अकॉर्डिंगली अपने वीडियोज़ बना के देने होते हैं. तो फिर फोकस हो गया कि भैया वीडियोज़ बना के देते रहो और धीरे धीरे करके व्यूज़ जो डॉलर्स है ना वो बढ़ने लगे. लाइक एक मंथ में जितना मेरे डॉलर्स आ रहे थे वो अगले मंथ में बढ़ने लगे. तो ये जो अप कर्व होता है ये आपको एक्चुअली मोटिवेट करता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ एंड टू बी मोर क्रिएटिव, विच आई एम ट्राइंग. और बीच में थोड़ा सा ये हो गया है क्योंकि रिलोकेशन की वजह से ये पास्ट वन मंथ से आई एम लिटिल डिस्टर्ब, और चीज़ें मैं सॉर्ट कर रही हूँ ताकि सब आसानी से सब कुछ लाइन पे आ जाए. विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ नाउ. नाउ मेरे पेमेंट कितनी आई थी. नाउ एज पर यूट्यूब गाइडलाइंस आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द एग्जैक्ट अमाउंट, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उससे मैंने एक सैमसंग का टैब मैंने ऑर्डर किया है. तो अभी अगर आप गेस कर सकते हैं कितनी पेमेंट आई होगी, तो उस हिसाब से ही हुआ है, उससे मैंने वही किया है. और ये टैब मैं अपने ऑफिशियल जो भी मेरे YouTube का काम है उसके लिए मैं उसे यूज़ करने वाली हूँ, इसी के लिए मैंने परचेज़ किया है. टैब से थोड़ा इजी हो जाता है यू नो चीज़ें को सब कुछ करना, एडिटिंग वगैरह. हालांकि अभी तक मैं मोबाइल से ही बना रही थी वीडियोज़ एंड आई वॉज क्वाइट बहुत ईजी है मोबाइल से बनाना, और आप इसे कहीं भी बना सकते हैं इससे वीडियोज़.
ईजी टू कैरी है, यू नो मोबाइल है, कहीं पे भी आप लेकर जा सकते हैं. तो अभी मैंने कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली रिटर्न नहीं आ रहा था कुछ भी, तो मैंने इस पे ज़्यादा लगाया नहीं था. बट मैं अभी मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ और नेचुरल लाइट यूज़ करती हूँ, कभी कभी रिंग लाइट भी यूज़ करती हूँ. मैंने जो इन्वेस्टमेंट इसमें की है वो रिंग लाइट एंड माइक के लिए की, क्योंकि अगर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग आपको सुनेंगे ही क्यों. तो इसलिए ये पूरी चीज़ें है. और मैंने आपको अपना पेमेंट भी आपके साथ डिस्कस किया है क्योंकि बिकॉज यू गाइज हैव बीन सपोर्टिंग मी सो मच. आगे भी आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके साथ और भी सारे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ, ट्रैवल ब्लॉग्स भी लेकर आऊँ. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट अभी हो गई हैं काफ़ी हद तक. सो आई विल कम अप विथ मैनी मोर वीडियोज़, मैनी मोर ट्रैवल ब्लॉग्स. जो मैं जिस नई जगह पर आ गई हूँ, यहाँ के ट्रैवल ब्लॉग्स भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे अब. और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं, कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लेकर आऊं. और देयर सो मेनी थिंग्स विच आई हैव प्लान्ड फॉर माय चैनल, सो इट विल कम अप इन दी कमिंग डेज. सो स्टे कनेक्टेड एंड विश मी लक, विश सपोर्ट मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आऊँ. तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए होप यू हैव ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय.